बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं आवाम को मसाइल का रोना रो रहे हैं, मियां साहब अपनी जात से आगे नहीं सोचते, ये झूठ बोलते हैं कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है। कहां खत्म हुई है? हाँ, जाती उम्र में जरूर खत्म हुई होगी। मजीद कहा, मियां साहब को झूठ बोलने और धोखा देने पर निकाला गया। इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, इमरान खान की नजरें तो सिर्फ कुर्सी और इख्तदार पर लगी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं नजरियाती होना मियां साहब का झूठ है, वो अपनी जात से ज्यादा कुछ नहीं सोचते, उन्हें झूठ बोलने और धोखा देने पर निकाला गया, मगर आज भी वही काम कर रहे हैं जो वो पहले करते थे। मियां साहब को झूठ बोलने और धोखा देने पर निकाला गया, मगर आज भी वो वही काम कर रहे हैं। नजरियाती होना मियां साहब का झूठ है और बाकी सब धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो और जरदारी ने तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा सरदार मुमताज भुट्टो को भी आड़े हाथों लिया, कहते हैं नाम निहाद कौम परस्तों के झंडे का रंग हर इलेक्शन सीजन में तब्दील हो जाता है। ये जो नाम निहाद सरदार नवाब और जागीरदार खिलाड़ी बने हुए हैं, पूछे उन साबिक वजीर आला से कि उन्होंने सिंध के लिए क्या किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि लोड शेडिंग के अजाब ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है, बिजली आती नहीं, बिल जम कर भेज देते हैं, बिल जम कर भेज दिया जाता है। रोजाना ये टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है। क्या खाक खत्म हुई है लोड शेडिंग? हाँ, जाती उम्रा में लोड शेडिंग खत्म हुई होगी, बिजली दे नहीं रहे, बिजली दे नहीं रहे और बिजली के बिल डबल बेच रहे हैं और फिर छोड़ के इल्जाम भी लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर उठा कर ले जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि इमरान खान की नजर सिर्फ कुर्सी और इकदार पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन 2018 अपने आबाई हल्के NA 200 से लड़ने का भी ऐलान किया।